होली के पांचवें दिन कानपुर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ के सरसैया घाट पर गंगा मेला लगता है और जमकर होली खेली जाती है। ये होली क्रांतिकारियों की याद में खेली जाती है। गंगा मेला की नींव साल 1942 में पड़ी थी। होली के दिन हटिया बाजार में मौजूद रजन बाबू पार्क में यहाँ के नौजवानों ने अंग्रेजी हुकूमत की परवाह किए बगैर तिरंगा फहराकर गुलाल उड़ाकर नाच रहे थे। तभी इसकी भनक अंग्रेजी हुक्मरानों को लग गई। इसके बाद करीब एक दर्जन से भी ज्यादा अंग्रेज सिपाही घोड़े पर सवार होकर आए और झंडा उतारने लगे। इस पर होली खेल रहे नौजवानों ने विरोध किया। अंग्रेजी सिपाहियों ने उन नौजवानों को इस पार्क में घेर कर बुरी तरह पीटा। तिरंगा फहराने और होली मनाने के विरोध में उन दिनों गुलाब चंद्र सेठ, बुद्धूलाल मेहरोत्रा, नवीन शर्मा, विश्वनाथ टंडन, हमीद खान और गिरधर शर्मा सहित करीब 45 लोगों को गिरफ्तार करके अंग्रेजी हुकूमत ने जेल में डाल दिया। अंग्रेजों का ये कदम उनके लिए गले की हड्डी बन गया। गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर का पूरा बाजार बंद हो गया। कानपुर के मजदूर, साहित्यकार, व्यापारी और आम जनता ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। समूचा कानपुर का बाजार बंद हो गया। मजदूरों ने फैक्ट्री में जाने से मना कर दिया। ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम कर दिया। सरकारी कर्मचारियों ने भी काम करना बंद कर दिया। शहर के एक एक दुकान में कारोबारियों ने ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, उस समय लोगों ने अपने अपने चेहरे के रंग भी नहीं उतारे। लोगों के इस आंदोलन को देखकर अंग्रेज हुक्मरानों की नींद उड़ गई। इस आंदोलन में गणेश शंकर विद्यार्थी, दयाराम मुंशी, हर्षद मोहानी जैसे क्रांतिकारी अगुवाई करने लगे। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने भी कानपुर के आंदोलन का पूरा समर्थन किया। हड़ताल के चौथे दिन अंग्रेजों का एक वरिष्ठ अफसर आकर यहाँ के लोगों से बातचीत की। इसके बाद होली के पांचवें दिन अनुराधा नक्षत्र के दिन सभी पकड़े गए युवकों को रिहा कर दिया गया। अनुराधा नक्षत्र के दिन जब नौजवानों को जेल से रिहा किया जा रहा था, तब पूरा शहर उन्हें लेने के लिए जेल के बाहर इकट्ठा हो गया था। जेल से रिहा हुए क्रांतिकारियों के चेहरे पर रंग लगे हुए थे। रिहा होने के बाद जुलूस पूरा शहर घूमते हुए हटिया बाजार में आकर खत्म हुआ। इनकी रिहाई को लेकर यहाँ जमकर होली खेली गई। इसके बाद यहाँ होली के दिन से अनुराधा नक्षत्र तक लगातार 5 दिनों तक होली मनाए जाने की परंपरा बरकरार रही। गंगा मेला के दिन यहाँ भीषण होली होती है। ठेले पर होली का जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस हटिया बाजार से शुरू होकर नयागंज, चौक सराफा सहित कानपुर के करीब एक दर्जन पुराने मोहल्लों से होकर गुजरती है। इसके बाद दोपहर के करीब 2 बजे तक हटिया के रजन बाबू पार्क में आकर जुलूस समाप्त होता है। शाम को सरसैया घाट पर गंगा मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ शहर भर से लोग एकत्र होते हैं और एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं।